नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कोरोना को लेकर के प्रशासन जहां एहतियातन कदम उठा रहा है, वहीं ग्रामीण स्तर पर भी चल रही खेल प्रतियोगिताओं को रोकने के आदेश दिए गए हैं। वीडियो की ओर से भी सरपंचों को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें कोरोना जैसी महामारी के मद्देनजर गाँव में चल रही खेल प्रतियोगिताएँ रोकी जाएँ। कोरोना वायरस के देश भर में बढ़ते खतरे को देखते हुए शासन और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। एक के बाद एक एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की चूक की कोई गुंजाइश न बचे। इसी के मद्देनजर प्रशासन की ओर से अब गांव में चल रही खेल प्रतियोगिताओं को भी रोकने के आदेश जारी किए गए हैं, ताकि खेल के मैदान स्टेडियम में लोगों की भीड़ जमा न हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एहतियातन कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। वीडियो पीओ की ओर से सरपंचों को ये पत्र जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि कोरोना का हवाला देते हुए उसमें एक जिक्र किया गया है कि जिन गांव में किसी प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं अथवा उस अन्य प्रकार के कोई आयोजन हो रहे हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से स्थगित किया जाए, ताकि कोरोना जैसी महामारी में बचाव किया जा सके। और इन आदेशों के बाद में गांव में चल रही खेल प्रतियोगिताएं फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए रोक दी गई हैं। शासन और प्रशासन की तरफ से कई तरह से एहतियातन बरते जा रहे हैं। इसी कड़ी में सैनिटाइजर से हाथ धोते नजर आए सिरसा के SDM पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। सर, कोरोना वायरस के लिए हमारे पास कल ही लेटर आया है, उसका क्रमांक नंबर है 4290। तो कल लेटर आते ही हमने हमारे गांव के अंदर मैच वगैरह चल रहे थे, वो हमने कल बंद करवा दिए हैं और गांव के लाउड स्पीकर से अलाउंसमेंट भी करवा दी गई है कि भी आगे ऐसा कोई खेल ना करे और ज़्यादा आदमी इकट्ठे ना हो और गांव के अंदर साफ सफाई रखे, तो इसके बारे में लोगों को जागरूक किया है। किस विभाग के द्वारा आपको ये आदेश दिए गए हैं? ये हमारे सर BDO ब्लॉक के से आदेश आए थे हमारे पास, उनके आदेश के अनुसार हमने उनकी आज्ञा का पालन किया है और गांव ने भी हमारी बात मानकर कानून का पालन किया है।